Hi guys, this is Manish Singh. Hi guys, this is Amit Giri. And welcome back to our channel, Silpa Views. So guys, कैसे हैं आप लोग? We hope you all are doing extremely well. तो guys, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से सारे schools and colleges इंडिया और पाकिस्तान में हर जगह बंद कर दिए गए हैं, सारे public places भी बंद कर दिए गए हैं. और मतलब एक सुझाव भी दिया गया है कि American President की तरफ से कि एक जगह 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना रहें. ये तो वो उसके वो हैं, लोग माने तो ठीक, लेकिन सबको अपनी सेफ्टी जरूरी है. तो आजकल सभी अपने घर पे हैं और कॉलेजेस बंद हैं. लेकिन अगर इससे ये मौसम जो ये चीज चल रही है, जो फेब से मार्च अप्रैल तक का महीना होता है, ये इन सब में एग्जाम्स होते हैं तो अभी ज्यादातर स्कूल्स, जैसे कि इंडिया में स्कूल्स, ऑफिसेस, और मेरी फ्रेंड का एक कॉलेज है, उन लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है. वो लोग ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में सबको पढ़ाते हैं. तो उसी के ऊपर बेकार फिल्म ने कुछ बनाया है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस इन पाकिस्तान बी लाइक, कि कैसे होते हैं पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस. मेरे को लगता है इन्होंने एज अ फनी है, देखो जैसे लास्ट में लिखा है कॉमेडी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप है. लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों के स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस या फिर कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं. हम देखते हैं कि कितने लोग वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर सिर्फ इंडिया में ही पढ़ाई को लेके इतना वो कर रहे हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इतने जो दो महीने की छुट्टी दी है, दो महीने तो नहीं, दो हफ्तों की छुट्टी दी है, उसमें भी रेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है. तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वीडियो देखते हैं एंड में बातें करेंगे. हियर वी गो, 1 2 3 स्टार्ट. मेरी क्लास में आके टोपी उतारो. ये सर मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ. हाँ वो भूल गया ना, वो आदत सी हो गई है. अच्छा आयशा प्रेजेंट. आज बड़े टाइम पे आ गई मैं तुम. अच्छा तो क्लास बच्चे आज हम पढ़ेंगे कायदे आज़म के 14 नुकात, क्योंकि इस वक्त कौम को उन नुकात की बहुत जरूरत है. कायदे आज़म की यूनिटी चाहिए ना. जी सर. सो यार ये क्या आ गया? समी जरा मार्कर लेकर आओ, लिखना मुझे बोर्ड पे. सर सर मैं घर पे हूँ, मैं कैसे लाके दूँ आपको मार्कर? एक तो जहन में मेरे क्लास रहती है ना, रुको मैं मार्कर लेकर आ रहा हूँ. और कैसा है? अबे समी कैसा है? सब सेट है? अबे यार ये कोरोना ने ना हमें तो फंसा दिया. अच्छा तुम्हारी तैयारी हो गई है? आगे भाई बड़ी मुश्किल से मिला है मार्कर. So, पहला पॉइंट ये है कायदे आज़म का पॉइंट. भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरी क्लास हो रही है, अरे मेरी क्लास हो रही है, रुक जाओ. अम्मी क्या चल रही है ये क्लास में? हो क्या रहा है? अरे वो बाजी ने बोला है सफाई कर दे अम्मी. अरे कौन है अम्मी? सर 2 मिनट. अरे हटाओ यार इनको. अम्मी ये आपने क्यों मासी को अभी भेज दिया मेरे कमरे में? अरे मासी को नहीं भेजूंगी, कब भेजूंगी? अरे 1 घंटे बाद भेज दे, मेरी अभी क्लास चल रही है. अरे 1 घंटे बाद? इतना कचरा पड़ा हुआ तुम्हारे कमरे में, वो कमरे में साफ नहीं करो, पूरे जरासीम सीधे होते हैं. अरे अभी क्लास हो रही है ना, अभी क्या करूं मैं? अरे तो मैं क्या करूं, मासी को जल्दी जाना है, जल्दी से उसको फारिग करो और फिर भेजो उसको. अच्छा आधे घंटे बाद भेज दीजिएगा, जब ब्रेक होगी तब आ जाए. तुमने मेरा लैपटॉप भिजवा दिया, हटो. अम्मी बोलिए आधे घंटे बाद आके सफाई कर लेना. सॉरी सर वो थोड़ा. तो रूम लॉक करके बैठो ना भाई. नहीं सर वो सॉरी, वो घर पे क्लास होगी तो ये तो होगा ना, मैं क्या करूं. अच्छा तो कायदे आज़म का पहला पॉइंट. सो पहला पॉइंट जो है गजनफर, जरा पाकिस्तान स्टडीज की बुक खोलो और पहला पॉइंट जरा जोर से रीड करके बताओ, सबको आवाज आनी चाहिए. अरे गजनफर तुम कहां छुपे हुए बैठे हो, कब से आवाज नहीं दे रही हो तुम्हें? अम्मी मेरी क्लास हो रही है सर बैठे. अरे अरे समी भी है. अच्छा मेरी गुंडी. हाँ अरे सर भी है सर, मैं वो बिरयानी बनाई थी ना रात को दावत है,
तुम दही लेकर आओगे कि नहीं? सच में 5 मिनट का काम है। दही? अम्मी मेरी क्लास चल रही है अम्मी। अरे तो फिर दही लेने कौन जाएगा? मैं वो खाली 14 पॉइंट्स है, वो जरा हम लोग पढ़ ले अभी। ओ हाँ सर, सिर्फ थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, ये दही लेकर आ जा। अच्छा भेज दे, हम कर लेते हैं कुछ। एक काम करें सर, आप भी आ जाना हमारे। नहीं नहीं वो जरा मेरा आना जाना बंद है जरा बाहर, बेगम ने मना किया है। ओ हाँ सर, सिर्फ थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, ये दही लेकर आ जा। चलो चलो सर। सर चल क्या रहा है यार, कभी किसी की मासी आई थी, किसी की अम्मी है, अब तुम्हारे क्या होने वाला है? बॉयफ्रेंड आ सर, सॉरी मैं आ गया। अरे तो एक साथ लेकर आया करो ना, वैसे ही तुम्हें पता है क्या हालत चल रहा है ना। वो कह रहा, कहते हैं ना कि वो 20 सेकंड तक हाथ धोते रहो तो हाथ धो। अरे दाल रोटी खा लो, बहुत बड़ी बात है, तुम लोगों को बिरयानी सूझ रही है इस मौके पे। तो कहां था मैं, क्या पढ़ा था? अच्छा हां, पहला, अरे पहला पॉइंट रीड करके बताओ यार जरा। पॉइंट नंबर 1, सिंध को कराची और मुंबई से अलग करेंगे। अरे कितने बेशर्म आदमी, अभी तक तुम्हें उर्दू पढ़नी नहीं आई। आयशा बेटा तुम पढ़ो जरा, और इनको बताओ कि किस तरह पढ़ते हैं, पूरे नुकात पढ़ के बताओ। जी सर मैं पढ़ती हूँ। तो कायदे आयशा तुम घूम बैठी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे आलू वाले वाले पता है रिश्ते की बात चलेगी, चाय बनानी है तुम्हें, बाकी सब तो मैंने बना दिया। अम्मी मैं ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप अब थोड़ा। अरे ऑनलाइन क्लास है ना, थोड़ी देर के लिए तो चलो जाओ, चाय बना ली, अब सब तो मैं बना चुकी हूं, मेरा सर भी है। अरे चलो मैं जा रही हूं चाय बनाने। वो मैं जो ना, मैं जरा चाय बना के आती हूं सर, आप मुझे 2 मिनट दें। अच्छा ओ चाय बनाने नहीं जा रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। बना तो मैं लूंगी, लेकिन आपको भिजवाऊंगी कैसे? ईमेल कर देना। मैं 2 मिनट में। अच्छा चलता ना, कहाँ रह गई आयशा? जी सर मैं आ गई। अरे शुक्र है आप आ गई, ख्याल किया करें, कितनी डिले हो गई आपकी चक्कर में क्लास। सॉरी सर मैं आ गई। रिश्ता पक्का हो गया क्या? अरे ये चल क्या रहा है मेरी क्लास में, क्या चीजें बन रही है, मछली बना रही है, तुम दोनों के नंबर काटूंगा मैं। सर 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 सॉरी सर सर सॉरी सर सॉरी सॉरी सर, नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। आशा सर वो पॉइंट्स पढ़ो। जी सर, तो 14 पॉइंट्स ये थे। अब हमसे नहीं होना चाहिए, तोड़ दिया। अरे ये ड्रॉइंग मैं कल लेकर आया ना। कल ही आया था। अरे हमसे अंधा है का? अरे बाहर का डालो, अब ये डिजिटल क्लास में बाद में लेंगे यार हमसा। हेलो वो क्या करे, बंद कर दें आप। आयशा शादी में बुला रही हो? नौ बज गए यार, सर ने बोला था 9 बजे ऑनलाइन हो जाना, 9 बजे ऑनलाइन हो गए, क्लास है यार। कि अभी तक कोई ऑनलाइन क्यों नहीं आया है, टाइम तो पूरा हो गया। अबे लेट तो नहीं हो गया, अटेंडेंस निकल जाएगी। फाइ तू ये क्या कर रहा है यार? क्लास ले रहा हूँ, सर ने बोला था 9 बजे ऑनलाइन आ जाना, क्लास होगी। भाई ये 2 साल पहले बोला था, सेमेस्टर भी खत्म हो गया, ईयर भी खत्म हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, डिग्री भी मिल गई मुझे। 2 साल हो गए इस बात को? हाँ यार, ये मैंने घर में पीसीटीएल नेट लगवाया, इसने मरवा दिया, ये अब जाके कनेक्ट हुआ ये। पीसीटीएल क्या तू इन तीनों में से कौन से टाइप वाला होता है? वो जो लास्ट में कैप पहन के नहीं बैठा था अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना छोटा सा पैराग्राफ लिख सके तो आप अपने जो भी है और फील होता है और इंजॉयिंग भी होते हैं और थोड़ी हंसी मजाक भी कर लेते हैं। वीडियो तो काफी बढ़िया थी, वीडियो में मतलब छोटी छोटी चीजों में ह्यूमर ढूंढा गया था और है ना उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था। इन्होंने ऐसा दिखाया गया इस वीडियो में, ऑनलाइन क्लास जो हो रही है उसके बारे में ये दिखाया कि घर पे अगर
क्लास होगी तो क्या होगा? पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई किसी की मम्मी कुछ लेने भेज देती है, बहुत कॉमन बात है, किसी की मम्मी कुछ लेने भेज देती है, और कोई घर में सफाई करनी पड़ती है। हाँ। मतलब सबके घर की टाइमिंग अलग अलग होती है, कोई एक बजे ही खाना खा लेता है, कोई चार बजे खाता है, कोई तीन बजे खाता है, और कोई होता है कि दोपहर का लंच ही नहीं करता है, कोई रात भर नहीं सोता, दिन भर जगा रहता है, बस फिर वही सीन बनता है। और ऑनलाइन क्लास एक तरीके से सही भी है और गलत भी है, अगर नहीं गलत कुछ नहीं है, बट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है नहीं, अगर एक इंडिविजुअल बच्चे का लेना हो, जैसे कि मैं इधर हूँ और वहाँ पे कोई मेरा टीचर है जो मेरे को पढ़ाना चाहता है, तो हम दोनों की क्लास, अगर वो मेरी क्लास लेना चाहे तो पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ हम दोनों, अब पूरी क्लास का टाइमिंग मैनेज करना एंड ऑल दैट थिंग्स, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। एक आध फिल्म ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से परखा और दिखाया, कोरोना की वजह से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इनके माइंड में जगह हुआ। कोरोना से याद आया कि मेरे को किसी ने बताया था कि कोरोना में एक पाकिस्तान में एक कोरोना की वजह से एक डेथ हो गई है, लेकिन उसके ही कुछ देर बाद उन्होंने मेरे को ये भी मैसेज किया कि नहीं, वो कोरोना की वजह से नहीं, वो किसी और चीज नहीं, अफवाहें ज्यादा काफी ज्यादा फैल रही है, तो आप अफवाहों पे ज्यादा वो मत करो। अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो ट्विटर पे एक आता है, वो सबसे ऊपर ही आता है ट्रेंडिंग के उस सेक्शन में, कि ये कोरोना की वजह के ये वो है, कितनी डेथ हुई है, कितने लोग बचे हैं, वो सब बताते हैं, क्योंकि आजकल की मीडिया क्या कर रही है, हम लोगों को बता रही है, क्योंकि अभी मीडिया में ये भी फैला है कि 29th अप्रैल है मार्च, 29th मार्च को दुनिया खत्म होने वाली है, एस्ट्रॉइड टकराने वाले, और पता नहीं क्या, बस वो लोग अफवाहें फैलाएंगे कि ये होने वाला है, एक्चुअल रेट कोई नहीं बता रहा कि कितने लोगों ने रिकवर कर लिया, कितने लोग हैं, वो सब कोई नहीं बताएगा, और वो लोग अगर वो चीज बताएंगे तो लोग देखना ही बंद कर देंगे। हाँ। उनका वो सो और फिर उनके बस ये लोग इतना ही बता रहे हैं, जो उनका टीआरपी सेक्शन है वो सब भी बंद हो जाएगा, बस वो लोग ऐसा दिखा रहे लोगों को लगता है ताकि लोग हरे और रोज नई रिपोर्ट आके देखें, क्योंकि लोगों के अंदर डर बना रहेगा तो वो लोग देखते जाएंगे। न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि कितने लोग है ना अफेक्टेड है वो दिखा रहे हैं, कितने लोग मरे वो दिखा रहे हैं, पर कितने लोगों ने रिकवर कर लिया वो चीज नहीं दिखाएंगे, वो सब उनकी टीआरपी गेम्स है जो भी है। तो गाइस यही थी वीडियो की, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एक और भी चैनल है कृष्णा विश्व के नाम से, आप उसको भी जोड़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी ऐसी वीडियोस आती है। मिलेंगे अगले से किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।